राष्ट्रीय जनता दल ने संगठनात्मक चुनाव 2022-25 को लेकर की बैठक। भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव 2022 से 2025 को लेकर समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी भागलपुर से पूर्व विधायक बरारी नीरज कुमार की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव विधिवत रूप से एक प्रखंड को छोड़कर भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों में संवैधानिक रूप से निष्पक्षता के चुनाव संपन्न करा लिया गया है। बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्षों एवं डेलीगेट की सूची की समीक्षा कर सभी नव निर्वाचित बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों को ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने को लेकर शुभकामनाएं के साथ बधाई दी। आज की समीक्षा बैठक में सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती अनीता चौधरी जी मौजूद थी। साथ में राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, युवा प्रदेश महासचिव आनंद आजाद, जिला प्रधान महासचिव विश्वजीत कुशवाहा, बिहार राज्य डेलीगेट सदस्य श्री नरेश यादव, जिला महासचिव अमर यादव, संजय यादव उर्फ डब्लू, जिला मीडिया प्रभारी मंजीत ठाकुर आदि मौजूद थे। सांगठनिक चुनाव 22-25 के लिए हम लोग आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिला निर्वाची पदाधिकारी के हैसियत से हमारे निवर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, डॉक्टर आनंद आजाद जी, नरेश बाबू और विभिन्न प्रखंडों के सभी कोई निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष हैं, कोई डेलीगेट्स हैं, सब लोग आज हमारा 9 को पूरे बिहार में प्रखंड में अध्यक्षों का चुनाव था, वो हमारा पूरा हो गया भागलपुर में। और हम यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य यहाँ बने हैं और ये इससे प्रमाणित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का जो विश्वास और भरोसा पहले से चला आ रहा है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और उस पर हमारे साथियों का लंबा काम हो रहा है। खेत खलिहानों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल से, नई पीढ़ी के लोग काफ़ी जुड़े हैं और आने वाले दिनों में हम लोग बिहार से ये जो झूठी सरकार केंद्र में बैठी है इसको उखाड़ फेंकेंगे, ये सदस्यता अभियान शायद यही कह रहा है। साथी तेजस्वी के नेतृत्व में जिस तरह से युवाओं का विश्वास और भरोसा जगा है लोगों में और हम तो हमारे नेता अक्सर कहते भी हैं ये सरकार कार्रवाई की है, ये सरकार किसानों की है, मजदूरों की है, छात्र नौजवानों का है और पत्रकार बंधु का भी है, जनता का राज है ये। क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। किसका ग्राफ? क्राइम का। कहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ा है? क्राइम हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रही है ना, अपराधी जेल जा रहे हैं, कहीं उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्राइम तो स्वाभाविक रूप से, और हमारा जो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है जो नेशनल भारत सरकार का है, बिहार तो बहुत पीछे पिछले पायदान पर है। जब बीजेपी लगा रहा है आपकी, जब से आपका सरकार बन गई है तब से क्राइम, बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। 8 साल हो गया, 2 करोड़ प्रत्येक 7 साल नौकरी देने के वादे किए गए थे उनके द्वारा, वो उससे कुछ बक रहे हैं। बिहार के लोग होशियार हैं, ये सब उनके बोलते रहें, कुछ नेता को अपना दुकान चलाना है बस बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। महागठबंधन है 7 दलों का, बीजेपी अछूत हो गई बिहार में, कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। बताइए ना बिहार में कौन ऐसी छोटी दल भी है जिसका नाम बताइए जो बीजेपी के साथ काम करना चाह रहे। नीतीश जी की पार्टी को खा जाना चाह रहे थे, मांझी जी को खाना चाह रहे थे, मुकेश को तो खा ही गए और बीजेपी अब हाशिए पर चली गई बिहार में। 24 का इंतजार करिए। तेजस्वी जी के बात पर, और आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में अभी तुरंत हम लोग 1.5 लाख लगभग शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य में आ रहा है लंबा वैकेंसी, फिर विभिन्न मंत्रालयों में रिक्ति मांगी गई है, उसको भर्ती बोर्ड में हम लोग भेजेंगे, फिर यहाँ के लड़कों का, सब लोगों का जो योग्य होंगे निश्चित होगा उनका नौकरी। उद्योग के क्षेत्र में भी 10 लाख लोगों को कुटीर उद्योग या विभिन्न उद्योगों में हम लोग उसका भी काम कर रहे हैं, सरकार तेज़ी से उस पर काम कर रही है। सब परिणाम आपको 3 महीना इंतजार करिए, नया बिहार आपको दिखेगा।